you all. Welcome to my YouTube channel Career Coaching. आज मैं लिख आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स फरवरी 2018 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक. ये इस मंथ का सेकंड पार्ट है. यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कृपया पहले वो ज़रूर देख लें. चलिए शुरू करते हैं. पहला प्रश्न, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर है डॉक्टर के सिवन. प्रश्न नंबर सेकंड, यूजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है धीरेंद्र पाल सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुदीप लखटकिया. प्रश्न नंबर 29, मध्य प्रदेश की राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है आनंदीबेन पटेल. क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत कौन से चक्र से सम्मानित किया गया है? आंसर है अशोक चक्र. प्रश्न नंबर 31, मेजर विजयंत सिंह को किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है कीर्ति चक्र. प्रश्न नंबर 32, इलैया राजा गौतम मुस्तफ़ा खान, सॉरी गुलाम मुस्तफ़ा खान, पी परमेश्वरन आदि को कौन से अलंकरण से सम्मानित किया गया है? आंसर है पद्म विभूषण. इन तीन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इलैया राजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और पी परमेश्वरन. प्रश्न नंबर 33, कुल कितने पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है? कुल 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जा रहे हैं. प्रश्न नंबर 33, कुल कितने पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है? आंसर है 73. प्रश्न नंबर 35, फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? आंसर है हिंदी मीडियम. प्रश्न नंबर 36, फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? आंसर है न्यूटन. प्रश्न नंबर 37, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बप्पी लहरी और माला सिन्हा को. प्रश्न नंबर 38, सौमित्र चटर्जी जो कि बंगाली फिल्म अभिनेता हैं को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह कौन सा देश है और उस देश के उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? आंसर है लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार और फ्रांस से इन्हें यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है. प्रश्न नंबर 39, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 81. प्रश्न नंबर 40, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2017 किसने जीता, कौन उप विजेता रहा एवं फाइनल मैच कहां हुआ था? तो आंसर है विदर्भ ने ये रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है, उप विजेता है दिल्ली और यह होलकर स्टेडियम इंदौर में हुआ था. प्रश्न नंबर 41, दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता कौन रहा एवं उप विजेता कौन रहा? आंसर है विजेता है भारत और उप विजेता है पाकिस्तान. प्रश्न नंबर 42, बासिनाल व्यवस्था के तहत भारत किस ग्रुप का सदस्य बन गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं मनोज कुमार. प्रश्न नंबर 44, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है अजय सिंह. प्रश्न नंबर 45, T20 मैचों में शतक लगाने वाली एकमात्र बल्लेबाज कौन है? आंसर है कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड. प्रश्न नंबर 46, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार भारत अवार्ड 2018 से किसे नवाजा गया है? आंसर है नाजिया उत्तर प्रदेश. प्रश्न नंबर 47, शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है दक्षिण कोरिया. प्रश्न नंबर 48, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास का क्या नाम है? आंसर है आयरन यूनियन 5. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.